नमस्कार, न्यूज क्लिक में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा बहुत ही खास कार्यक्रम इतिहास के पन्ने मेरी नजर से। पिछले कुछ दिनों में आप शायद अखबारों में हिंदुस्तान में इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन के 30 वर्ष पूरे होने पर विशेष लेख पढ़ते आ रहे होंगे। अर्थशास्त्रियों द्वारा लिखित इन आर्टिकल्स ने इस निर्णय की एक्स्ट्राऑर्डिनरी तारीफ की होगी। इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन को जादू की छड़ी के रूप में प्रस्तुत किया गया होगा। ऐसा मानो कि कहा गया कि जिसे सरकार ने घुमा दिया और उसे लोगों की जिंदगी बिल्कुल बेहतरीन हो गई। इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन इज वेरी ऑफन प्रेजेंटेड एज द मोस्ट स्पेक्टेकुलर पॉवर्टी एलिविएशन एंड ग्रोथ बूस्टिंग प्रोग्राम्स ऑफ एनी गवर्नमेंट सो फार। किन परिस्थितियों में ये फैसले लिए गए थे? क्या इस पॉलिसी के आर्किटेक्ट मात्र मनमोहन सिंह थे या फिर पीवी नरसिम्हा राव की भी इसमें सहभागिता और लीडरशिप थी? क्या हम ये कह सकते हैं कि इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन की प्रक्रिया बहुत पहले शुरू हो गई थी? फॉर दोज इंडियंस हु लिव्ड थ्रू दोज टाइम्स एस्पेशली एज एडल्ट्स द इवेंट्स आर एच्ड इन मेमोरीज दे आर नोन एज अ वॉटरशेड इवेंट बट फॉर दोज हु वर यंग और इवन दोज हु वर नॉट बॉर्न एट दैट टाइम द इवेंट्स आर essentially passed on or they exist as a folklore. They have learnt all these things from the previous generations and maybe from textbooks. इसीलिए इस कहानी को एक बार फिर से दोहराने की जरूरत है। 1991 ऐसे भी हिंदुस्तान के इतिहास में एक बहुत ही निर्णायक वर्ष था। उस साल के लोकसभा चुनाव में फॉर द सेकेंड कंसेक्यूटिव टाइम किसी भी सिंगल पार्टी को अपनी मेजॉरिटी नहीं मिली थी। 1991 के इलेक्शंस की एक और महत्वपूर्ण बात थी। हालांकि कांग्रेस सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी बन के आई 244 सीट्स जीतकर, लेकिन यूं मानिए कि असली विजेता भारतीय जनता पार्टी बीजेपी थी। Actually, the phrase, the victor came second, and that the BJP is a government in waiting, is attributed to Lal Krishna Advani, who then went on to become the leader of the opposition. 1991 के चुनाव में BJP ने पहली बार उत्तर प्रदेश में भी मेजॉरिटी हासिल की और कल्याण सिंह के लीडरशिप में BJP की अपनी इंडिपेंडेंट सरकार बनाई। पार्टी ने तुरंत घोषणा कर दी कि द मैंडेट वॉज फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ राम टेम्पल, राम मंदिर बनाने के लिए यह मैंडेट था। 1991 का चुनाव पहला चुनाव था जब राम मंदिर का मुद्दा बिल्कुल सेंटर स्टेज पर छाया रहा। 1991 वॉज ऑल्सो अ ड्रामेटिक ईयर इन इंडियाज हिस्ट्री बिकॉज ऑफ राजीव गांधीज असैसिनेशन मिडवे थ्रू द इलेक्शंस। हिंदुस्तान के इतिहास में यह पहला चुनाव था और आखिरी अब तक, जब चुनाव के एक फेज के पोलिंग के बाद बाकी फेजेस को पोस्टपोन कर दिया गया। अगर राजीव गांधी की हत्या नहीं होती तो शायद बीजेपी को और सीट्स हासिल होती और कांग्रेस शायद 244 नहीं जीत पाती। You will thereby see that the year 1991 triggered a fundamental change in India's politics, economics, and society. Due to economic liberalization in 1991, Indian society also underwent a complete alteration, primarily due to the great rise of the Indian middle classes. Halaki estimates vary, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है। इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन के बाद मिलियंस ऑफ इंडियंस सक्सेसफुली मूव्ड आउट ऑफ
the lower rungs of Indian economic society and they became part of the middle classes. Lekin is pure process mein logon ke liye adequate social security networks nahi banayi gayi thi sarkar dwara. Yahi karan hai ki aaj lagbhag 3.5 crore bhartiye Indian middle classes ko exit karne wale hain. और दोबारा से वही पुराने पॉवर्टी स्ट्रिकन स्टेट में पहुंचने वाले हैं. आप सोचेंगे ऐसा क्यों होगा? इट इज बिकॉज ऑफ द गवर्नमेंट्स कंप्लीट फेलियर टू कुशन पीपल अगेंस्ट द कोविड 19 पैंडेमिक ट्रिगर्ड इकोनॉमिक डाउनटर्न्स. अकॉर्डिंग टू एन एनालिसिस डन बाय द अमेरिकन फर्म प्यू रिसर्च सेंटर, 32 million Indians are to drop out of the middle classes. They account for 60% of the global retreat in the middle class tier. Of course, this is not proportion to their population among the entire global middle class. Yahi karan hai ki vidwano ne mana hai ki sarkar ne economic liberalization se society mein chamak dhamak to la diya, परंतु इकोनॉमिक इनइक्विटी और डीपन और गहरा हो गया. लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर मैत्रीश घटक ने एक विडंबना के प्रति हम सब का अटेंशन को ड्रॉ किया है. उन्होंने एक आर्टिकल इन फोर्ब्स इंडिया ही हैज रिटन सम वेरी बिटर ट्रूथ्स अबाउट द इकोनॉमिक डिस्पैरिटी इन इंडिया. ही सेज that India's economy experienced the largest contraction of about 8% in the post-independence period due to COVID-19 crisis and its economic fallout in 2020. Yet, and ironically, the stock exchange is up by 75% a year ago. The number of Indian billionaires rose to 140 from 102 a year ago. Their combined wealth has nearly doubled to $596 billion. India has the third highest number of billionaires in the world after the United States and China. Yet, if look at the poverty around, India's share of the world's extreme poor is higher than the population share. तो कब शुरू होती है ये आर्थिक दूरी बढ़ाने वाली कहानी? 1980 के दशक में तमाम सरकार जो थे वो किसी भी पार्टी के रहे हो अपनी क्षमता के से ज्यादा खर्च किए थे. अ क्राइसिस वॉज ट्रिगर्ड बाय द इंक्रीज इन द वर्ल्ड क्रूड ऑयल प्राइसेस फॉलोइंग इराक्स इन्वेजन ऑफ कुवैत इन अगस्त 1990. हिंदुस्तान का बैलेंस ऑफ पेमेंट की स्थिति लगभग अनमैनेजेबल हो गई थी. वीपी सिंह की सरकार जिसने दिसंबर 1989 में गवर्नमेंट में आई थी, उनको यह समस्या विरासत में मिली थी. उसके प्रायोरिटीज लेकिन इकोनॉमिक नहीं थे, पॉलिटिकल थे. अंदर बहुत सारे क्राइसिस थे. वीपी सिंह की सरकार के सलाहकार भी वही पुराने थे, बस यही कहते थे सब कुछ मैनेज हो जाएगा. गल्फ वॉर के चलते जो ऑयल शॉक्स हिंदुस्तान में फील हुए थे उनका इंपैक्ट राजनीतिक अपहीवल्स की वजह से और गहरा हो गया. एक तरफ लेफ्ट पार्टीज का पुल था, दूसरे तरफ बीजेपी का काउंटर जनता दल ठीक बीच में भी एक डिवाइडेड हाउस थी. अक्टूबर 1990 को विश्वनाथ प्रताप सिंह ने आदेश दिए आईएमएफ से बातचीत शुरू की जाए, लेकिन एक महीने के अंदर 7 नवंबर 1990 को वीपी सिंह को लोकसभा में वोट आउट कर दिया गया. चंद्रशेखर प्राइम मिनिस्टर बन गए. 2 सप्ताह के लिए उन्होंने भी जोर तोड़ करने की कोशिश की, लेकिन फाइनली उन्होंने भी आईएमएफ के साथ डायलॉग को कंटिन्यू करने को कहा. दिस वॉज डन आफ्टर द प्राइम मिनिस्टर वॉज टोल्ड दैट इंडिया वॉज क्लोज टू डिफॉल्ट ऑन इट्स इंटरनेशनल पेमेंट ऑब्लिगेशंस.
His advisors told him that the IMF was needed not just as a lender of the last resort, but also to restore international confidence in Indian economy. Yashwant Sinha unke finance minister the. January 1991 mein Manmohan Singh advisor to the Prime Minister on economic affairs the. Indian negotiators secured $1.8 billion as the first credit tranche in January 1991. They also secured compensatory and contingency financing facility to help meet the cost, the increased cost of petroleum imports. 1991 ki budget ki taiyari shuru ho gayi, parantu Yashwant Sinha isko pesh nahi kar paaye. Chandrasekhar ki sarkar gir gayi, unhone istifa de diya. Caretaker sarkar ne elections call kiye. Usi situation mein April 1991 mein sarkar ne 20 ton sona ship karke $200 million jutaye. Ye sona smuggler se confiscated tha aur Bharat sarkar ke custody mein tha. Rajiv Gandhi ke hatya ke baad ke dusre charan ke chunav khatam jab ho gaye, तब उसके बाद 21 जून 1991 को नरसिम्हा राव ने प्रधानमंत्री के पद की शपथ ली. उन्होंने मनमोहन सिंह को अपना वित्त मंत्री बनाया. एक महीने के अंदर कई अहम कदम उठाए गए. 1 और 3 जुलाई को एक्सचेंज रेट्स एडजस्टमेंट की घोषणा की गई. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के रिजर्व एसेट्स में से $400 मिलियन रेज करने के लिए दोबारा शिप किए गए. 24 जुलाई 1990 की सुबह को इंडस्ट्रियल पॉलिसी पर बयान में बहुत नाटकीय बदलाव की घोषणा की गई. उन दिनों बजट शाम 5 बजे पेश होता था लोकसभा में. मनमोहन सिंह ने अपना पहला बजट मूव किया. मोर ऑर लेस ये वही बजट था जिस पर यशवंत सिन्हा काम कर रहे थे. सोना का शिपमेंट, द गोल्ड शिपमेंट, वो बहुत पॉलिटिकली विवादास्पद रहा, पर शायद कोई भी सरकार होती उसको भी मजबूरन यही फैसला लेना पड़ता. मनमोहन सिंह अगर वित्त मंत्री नहीं होते तब भी शायद बजट मोर और लेस उसी किस्म का होता जो जैसा उन्होंने पेश किया. बात मात्र बजट और क्राइसिस मैनेजमेंट की नहीं है, उसके बाद के समय के पॉलिसीज का है. इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन ने हिंदुस्तान में मटेरियल कल्चर को अशरिन किया. द परस्यूट ऑफ वेल्थ स्टॉप्ड बीइंग कास्ट अगेंस्ट अ मॉरल फ्रेम. जो पीछे रह गया वो और पीछे पड़ता गया. 1990s के दशक में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के शुरुआती वर्षों में पॉलिटिकल एंड बिजनेस लीडर्स एंड द मेनस्ट्रीम मीडिया डिस्कोर्स, इन्होंने शार्पली इन्फ्लेटेड फिगर्स प्रस्तुत किए थे इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन के पॉजिटिव्स पर. धीरे धीरे ये स्पष्ट हो गया द ग्रेट इंडियन मिडिल क्लास की जो आर्थिक शक्ति थी वो वास्तविकता से अधिक एक मिथक थी. 2017 से ये बात और स्पष्ट हो गया. अब कोविड-19 पैंडेमिक के इंपैक्ट से ट्रिगर हुए जो इकोनॉमिक डाउनटर्न के बाद, इसमें कोई डाउट नहीं है कि इंडियन मिडिल क्लास इज अ श्रिंकिंग कम्युनिटी. इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के 30 साल बाद वक्त आ गया है एक नए दौर के रिफॉर्म्स की. लेकिन ये सुधार पीपल सेंट्रिक और डिस्पैरिटीज को कम करते हुए, उसको प्लेज लेते हुए होना चाहिए. लेकिन सवाल यह है कि क्या क्रोनी कैपिटलिज्म के प्रति कमिटेड सरकार कर पाएगी? शायद नहीं. नमस्कार.